अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। नवी मुंबई में और सख्त हुआ लॉकडाउन, शहर के एंट्री पॉइंट पर बढ़ा पुलिस का पहरा, सिर्फ एसेंशियल सर्विस से जुड़े वाहनों को ही परमिशन। नवी मुंबई में 3 जुलाई से 13 जुलाई तक चलने वाला लॉकडाउन और भी सख्त कर दिया गया है। तेजी से फैलते कोरोना को रोकने शहर के प्रमुख एंट्री पॉइंट पर पुलिस तैनात कर दी गई है। तस्वीर में दिख रहा यह नजारा वासी सेक्टर 17 के अरेंजा कॉर्नर का है। ऐसी ही जांच वासी हाईवे ब्रिज और दीघा ब्रिज के पास तथा खारगर हाईवे ब्रिज के नीचे चलाई जा रही है, जहाँ से गुजरने वाले हर वाहन की जाँच हो रही है। अतिआवश्यक कार्यों से जुड़े लोगों को छोड़कर बाकी लोगों को पुलिस वापस लौटा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए ऐसा करना अब बेहद जरूरी हो गया है। बता दें कि नवी मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 7000 के पार जा चुकी है। अब तक 250 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं। ऐसे में नवी मुंबई प्रशासन कोविड संक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान चला रहा है। हालांकि सच ये भी है कि इससे कोरोना पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी ऑन इंडिया।